हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता प्रेम कौशल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के उस वक्तव्य जिसमें उन्होंने गाली गलौज की राजनीति बंद करने की नसीहत दी है का स्वागत करते हुए कहा कि आज के राजनीतिक परिदृश्य में उनका ये वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु उन्हें ये सलाह गृह मंत्री अमित शाह, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और सैकड़ों अन्य भाजपा नेताओं को देनी चाहिए जिन्होंने राजनीतिक विरोधियों की आलोचना करते हुए अनेकों बार भाषा की मर्यादा को तार तार किया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता प्रेम कौशल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के उस वक्तव्य जिसमें उन्होंने गाली गलौज की राजनीति बंद करने की नसीहत दी है का स्वागत करते हुए कहा कि आज के राजनीतिक परिदृश्य में उनका ये वक्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु उन्हें ये सलाह गृह मंत्री अमित शाह, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और सैकड़ों अन्य भाजपा नेताओं को देनी चाहिए जिन्होंने राजनीतिक विरोधियों की आलोचना करते हुए अनेकों बार भाषा की मर्यादा को तार तार किया है और राजनीतिक मतभेद रखने वालों के प्रति नफरत भरे शब्दों का प्रयोग करने की परंपरा को जन्म दिया है। जिस पार्टी के नेताओं को वैचारिक मतभेद रखने वाली जाति दुश्मन और विरोध करने वाले पाकिस्तानी लगते हों, ऐसी पार्टी की सरकार के एक मुख्यमंत्री द्वारा मर्यादित भाषा का प्रयोग करने का वक्तव्य देना स्वागत योग्य है, परंतु इस सुझाव को अमल में लाने की शुरुआत उन्हें अपनी पार्टी के अहंकारी तथा सत्ता के नशे में मदहोश शीर्ष नेताओं को करने की सलाह देनी चाहिए। जहां तक हिमाचल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का सवाल है तो वे अनेक जनविरोधी मुद्दों पर सरकार की नीतियों और निर्णयों के विरोध कर जो भूमिका कांग्रेस पार्टी तथा प्रदेश की जनता ने उनको सौंपी है वे उसी का निर्वहन कर रहे हैं। प्रेम कौशल ने कहा कि मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष के बयानों से विचलित होकर उनकी आलोचना करने के बजाय सरकार के जनविरोधी निर्णय और कार्यप्रणाली की समीक्षा करें तो उससे प्रदेश की जनता और भाजपा दोनों का भला होगा। जयराम ठाकुर जी ने एक वक्तव्य दिया है जिसमें उन्होंने सलाह दी है नेता प्रतिपक्ष को कि वो और दूसरे नेताओं की गाली गलौज की जो भाषा है राजनीति में वो बंद होनी चाहिए। उनका ये वक्तव्य स्वागत योग्य है और निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा सुझाव माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है, लेकिन मेरा उनसे एक निवेदन है कि ये सुझाव सबसे पहले उनको अपने पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं अमित शाह जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी, गिरिराज और सैकड़ों ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, प्रज्ञा है और बहुत से नेता हैं, अगर ये सुझाव वो उनको दें और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो अगर उनके इस सुझाव को आत्मसात करे तो मैं समझता हूँ कि राजनीति में भाषा का बहुत सा शुद्धिकरण जो है वो हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपने जो राजनीतिक विरोधी हैं वो उनको निजी शत्रु नजर आते हैं, जो उनकी विचारधारा से मतभेद रखते हैं वो उनको पाकिस्तानी नजर आते हैं। ऐसी विचारधारा की पार्टी का एक मुख्यमंत्री यदि इस तरह का सुझाव देता है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत स्वागत करने योग्य सुझाव है, लेकिन सर्वप्रथम जैसे कि मैंने कहा इसका अमल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और वो भी शीर्ष नेताओं को जिन्होंने हिंदुस्तान की राजनीतिक जो भाषा है उसकी जो गरिमा है उसको एक बार नहीं हजारों बार उसको तार तार किया है अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके और अपने राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी हैं उनका उपहास उड़ाकर उनके उनके प्रति अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करके। जहां तक नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का प्रश्न है, जो भूमिका उनको कांग्रेस पार्टी ने और हिमाचल प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को दी है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, वो अपनी उसी भूमिका का निर्वहन करते हुए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसकी जो जनविरोधी नीतियां हैं जनविरोधी फैसले हैं उनको उनको उठाकर उनके खिलाफ आवाज़ उठाकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री के विचारों से विचलित होने की बजाय मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो अपनी सरकार के जो जनविरोधी फैसले हैं उनकी सरकार की जो जनविरोधी कार्यप्रणाली है उसकी समीक्षा करें और उसमें सुधार करें, उससे भारतीय जनता पार्टी का भी भला होगा और सरकार का भी भला होगा। कार्यक्रम में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।